शायद पाकिस्तान एक इतिहास कायम करूंगा कि अपने मुर्शद दे नकमस्तक होने वास्ते वो पैसे चार्ज करनगे। तो मैं कहंदे कि लानत एहो जी गल, सारा दुनिया उन्होंने उत्ते इस गल च थू थू करूगा। हरसिमरत कौर बादल जिन्हें श्रोमणी कमेटी का कब्जा आ, श्रोमणी कमेटी का सिर्फ इन्होंने लंगर लाने रखी अपने वास्ते, अपने राजनीतिक मकामों वास्ते वो फंड जो यूज है जिस तरीके करते मिस यूज होंगे। उतों चिर यदा कोई फैसला सरकार नहीं लेंदी, केंद्र सरकार के अंडर वो नहीं लेंदे, ज पाकिस्तान नहीं होंगे, उन्हें चिर श्रोमणी कमेटी दे। कई दहाकों तो बाद करतारपुर साहिब के दर्शनों लिए लांघा खुलन जा रहा है, पर हुण इस ते भी सियासत लगातार जारी है। करतारपुर के लांघे ते पाकिस्तान वालों लगाई $20 की फीस ते पंजाब तो लैके दिल्ली तक की सियासत गरमाई हुई है। अकाली दल अते कांग्रेस के लीडर वालों एक दूजे ते तिखे हमले किए जा रहे हैं। हुण केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी साफ किया कि केंद्र सरकार ने पाकिस्तान स्पष्ट कर दिता है श्रद्धालु $20 की फीस नहीं दे सकणगे। हुण उन्हां कहा कि जेकर पाकिस्तान अजिहा करता है तो वो पहला देश होगा जो गुरुआं दे दर्शन लई जजिया लवेगा। वह सारा कुछ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने सारा रेज किया होया। मैनू उम्मीद है कि जिवें असी भी कहिंदे कि अपने गुरु धाम के दर्शन करन वास्ते किसी नू दुनिया च शायद पाकिस्तान एक इतिहास कायम करूगा कि अपने मुर्शद दे नकमस्तक होने वास्ते वो पैसे चार्ज करनगे। तो मैं कहंदे कि लानत एहो जी गल, सारा दुनिया उन्होंने उत्ते इस गल च थू थू करूगा। सो असी तो पूरा अपने सरकार वालों साडा पूरा प्रेशर है कि यह नहीं चार्ज होना चाहिए, लेकिन वो सरकार की फैसला करती है उन्होंने सरकार के फैसलों के उत्ते साडी देश का कोई कंट्रोल नहीं। साडी तो पूरा प्रेशर $20 वाली गल रख दे, पाकिस्तान कहता है कि $20 असीं लैणे लैणे, उस तो बाद फिर केंद्र सरकार दा की नेक्स्ट। देखो तुसीं सारे जानते हो केंद्र सरकार ने साफ कहता हैगा कि यह बिल्कुल जुल्म हैगा, तो यह जजिया टैक्स तो घट नहीं हैगा, लेकिन वह पाकिस्तान की फैसला करती, मैं ना उहदे बारे कह सकती हाँ। उधर कांग्रेस के लोग सभा मैंबर गुरजीत औजला ने पाकिस्तान वालों करतारपुर साहिब के दर्शनों लिए $20 लैण से हरसिमरत बादल और श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी को घेरिया है। औजला ने कहा कि हरसिमरत बादल केंद्र सरकार नाल गल करके फीस रद्द करवावे जां फिर SGPC ये $20 की फीस आप देने का ऐलान करे। पर मेरा ख्याल है बीबी हरसिमरत कौर बादल जिन्हों का श्रोमणी कमेटी के कब्जा आ, श्रोमणी कमेटी का सिर्फ इन्होंने लंगर लाने रखी अपने वास्ते, अपने राजनीतिक मकामों वास्ते वो फंड जो यूज है जिस तरीके करते मिस यूज होंगे। उतों उन्होंने क्यों नहीं ये कहें कि वो जिन्ना चिर यदा कोई फैसला सरकार नहीं लेंदी, केंद्र सरकार के अंडर वो नहीं लेंदे, ज पाकिस्तान नहीं होंगे, उन्हें चिर श्रोमणी कमेटी दे। श्रोमणी कमेटी को जोड़ा उत्थे जिन्ना मियाँ संगत का पैसा आता है वो इन्हों हिम्मत करके वो वास्ते देना चाहिए आ, और वो जो $20 जिन्ना चिर का फैसला नहीं होंगे, पंजाब सरकार ने देना ज केंद्र सरकार ने देना ज पाकिस्तान ने देना ज नहीं देना, वो मैं यही कहूँगा कि श्रोमणी कमेटी के कोल तो इंडिविजुअल पावर है, ये तो सवेरे अनाउंस कर सकते मीटिंग बा के कि असं देवे इन्होंने कर देना चाहिए। देखो वो राजनीति कर रहे, राजनीति नहीं करनी चाहिए। गुरु साहब का जोड़ा व्डा पुरब मना जा रहे हैं, वैसे तो कह रहे अभी श्रोमणी कमेटी ने मना, सरकार का नहीं कोई रोल हैगा ये, सरकार को कहते सिर्फ पुख्ता प्रबंध ही करने, असं उधरले बन्ने मनाने, तो जिते पैसे खर्चन की गल आती उत्थे कहते असी करना नहीं। मेरा ख्याल आ हरिमंदर साहब तो श्रोमणी कमेटी को बहुत वड्डी आमदन आ और सीधा फायदा इस परिवार को हो रहा, इन्हों अगे आ के ये पहल करनी चाहिए। श्रोमणी कमेटी जो $20 है वो दे। देखो मैं पंजाब सरकार को असं कहे भी जे नहीं होंगे कोई हाले तक लभ्या जाए, पर यह तो केंद्र सरकार को करना चाहिए आ। देखो जेडे इंटरनेशनल इशू आ केंद्र सरकार ने संबंधित है, जिते रिलीजियस इशू आ सिख धर्म का दरबार श्रोमणी कमेटी ने संबंधित है, दो ही गल्लां ने, पंजाब सरकार ने पुख्ता प्रबंध करने ने। हाँ पंजाब सरकार क्योंकि CM साहब बहुत ये विश्वास रखते हैं हरिमंदर साहब के, गुरु नानक साहब के, उन्होंने रिक्वेस्ट असी भी करा कि जे ये दोवें नहीं मानते इस गल में तो फिर आप करें। SGPC के फंडा की दरबार तो व्डे पद्धर से की जा रही है, इसलिए $20 की फीस SGPC देने का फैसला ले लेना चाहिए। गुरदासपुर तो गुरप्रीत चावला, अमृतसर तो सुखचैन सिंह की रिपोर्ट, D5 चैनल पंजाबी।